हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नीरसर चैनल। हम लोग पार्ट थ्री पढ़ चुके थे और आज प्रीपोजिशन का पार्ट फोर पढ़ेंगे कि प्रीपोजिशन का पार्ट फोर में क्या कौन कौन से पार्ट दिए हुए। हम लोग प्रीपोजिशन के पार्ट फोर में पढ़ेंगे अप, अपॉन, डाउन, अप्स एंड डाउन्स, है ना। तो ये सब हम प्रीपोजिशन के पार्ट फोर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला बात है कि अप का यूज कहाँ पे करेंगे, अपॉन का यूज कहाँ पे करेंगे, डाउन का यूज कहाँ पे करेंगे, अप्स का यूज कहाँ पे करेंगे और डाउन्स का यूज कहाँ पे करेंगे। ये सब जो क्वेश्चन जो होते हैं अधिकतर एसएससी सीजीएल एग्जाम में दो नंबर तीन नंबर के पूछते ही रहते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। ये बेसिक है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ प्रीपोजिशन में, और आज हम लोग पार्ट फोर को पढ़ेंगे। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहला अप का यूज, है ना। मैं आपको फिगर के माध्यम से समझा रहा हूँ ताकि आपको ठीक ढंग से और बेटर ढंग से समझ में आए कि हम अप का यूज कहाँ पे करेंगे, अपॉन का यूज कहाँ पे करेंगे और डाउन का यूज कहाँ पे करेंगे, अप्स और डाउन्स का यूज कहाँ पे करें। तो ठीक है, आप ठीक ढंग से समझे। तो बोला जाता कि पहले के जमाना में मान लिया जाए कि ये पहाड़ है, क्या चीज है, पहाड़, है ना। तो पहाड़ पे बहुत पुराने जमाने में मंदिर तो हुआ करता था, आम बात है। पहाड़ पे मंदिर होना आम बात है। वहां पे साधु या ऋषि मुनि लोग जो क्या क्या करते थे, तपस्या क्या करते थे, है ना। तो जब भी ऋषि मुनि क्या करेंगे, यहाँ पे सीढ़ी लगा हुआ होता है या किसी भी प्रकार से वो कहाँ पे चढ़े, यानी पहाड़ पे चढ़े, है ना। और जब पहाड़ पे चढ़े तो चढ़ रहे थे इस रूप में, फिर क्या किए, फिर उनको उतरना भी तो है पहाड़ पर से। जब व्यक्ति चढ़ेगा तो तपस्या पूरा करके क्या किए, उतरना भी है ना। तो कहने की बात है कि जब भी कोई व्यक्ति पहाड़ पे चढ़ेंगे, या जरूरी नहीं कि पहाड़ पे चढ़ेंगे, जब भी कोई व्यक्ति कहीं पे भी चढ़े, यानी जहाँ ऊंची स्थान पे हो, तो उनमें मोशन ऑटोमेटिकली है कि होगा, है ना। मोशन के साथ ही वो तो चढ़ेंगे, यानी मोशन उनमें उत्पन्न होगा। और मोशन क्या चीज उत्पन्न होगा, मोशन, मोशन के साथ अगर जो वो ऊपर की ओर चढ़ते हैं तो वहां पे हम लोग अप का यूज करते हैं, और वो मोशन के साथ, है ना, उतरेंगे तो पे भी तो मोशन रहेगा, यानी मोशन, मोशन उतरने पर भी मोशन, यानी अगर जो मोशन के साथ उतर रहे हैं तो किसका प्रयोग करेंगे, डाउन का यूज करेंगे, है ना। फिर से एक बार, यानी कहने का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति या वस्तु कहीं पे भी कोई ऊंची स्थान पे क्या करे, चढ़े, है ना। तो जब भी चढ़ेगा तो किसका प्रयोग, अप का प्रयोग, और उतरेगा तो डाउन का यूज करेंगे, है ना। इसको हम लिखे हैं थोड़ा सा कि जब कोई व्यक्ति या वस्तु मोशन के साथ कहां चढ़ेगा, जब कोई व्यक्ति या वस्तु मोशन के साथ ऊपर चढ़ेगा, है ना, ऊपर चढ़ेगा तो उसमें आपका और मोशन के साथ नीचे उतरेगा तो डाउन का यूज होगा, है ना। यानी कहने का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति या वस्तु, है ना, मोशन के साथ कहां पे चढ़ेगा, कोई भी ऊंचे स्थान पे, मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि वो पहाड़ पर चढ़ा, किस पे चढ़ा, तो पहाड़ पर चढ़ा, मोशन चढ़ते वक्त उनमें मोशन तो आएगा ही, यानी मोशन के साथ वो चढ़ रहे हैं, यानी चढ़ने के क्रम, यानी मोशन के साथ ऊपर चढ़ेंगे तो आपका यूज, और मोशन के साथ नीचे आएंगे तो डाउन्स का यूज किया जाता है, है ना। चलिए इसका एग्जांपल मैं इकट्ठे सबका मैं समझाता हूँ, उसके बाद इसका एग्जांपल मैं इकट्ठे दूंगा, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका यूज और अपॉन, आपका यूज और डाउन का यूज मैं पढ़ चुका, है ना, यह समझ के नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट है कि किसका उपयोग, अपॉन का उपयोग, है ना,
लिया जाए है ना, फिगर पर ध्यान दीजिएगा, मान लिया जाए कि एक सुअर है, क्या चीज है, मान लिया जाए कि एक सुअर है ना, ऐसे सुअर जैसा लग नहीं रहा लेकिन मान लिया जाए कि सुअर है, और इधर सुअर है, इस सुअर है, और इधर एक बाघ है, क्या चीज है, बाघ है ना, सुअर है और बाघ है ना, मान लिया जाए फिगर बने से बनाने, ये सुअर है और ये क्या चीज है, बाघ है। बोला कि जब भी सुअर जो है, जब भी बाघ है ना, यानी टाइगर, जब भी टाइगर इस पे क्या करेगा, हमला करेगा, क्या करेगा, हमला करेगा, तो क्या करेगा, हमला करेगा तो नीचे से ऊपर की ओर है ना, नीचे से कहां की ओर, ऊपर की ओर उस पर क्या करेगा, अटैक करेगा है ना, यानी क्या करेगा, नीचे से ऊपर की ओर क्या करेगा उसको, अब अटैक करेगा, यानी अप मींस ऊपर जाएगा है ना, अप मींस ऊपर और ऑन मींस रखा जाएगा वहां पे है ना, यानी अप यानी मोशन के साथ, किसके साथ, तो मोशन के साथ ये अटैक करेगा किस पे, सुअर पे है ना, यानी अप मींस क्या किया है वो, अप मींस ऊपर और ऑन मींस कि ऑन मींस माने इस पे, जब भी कोई व्यक्ति सॉरी जब ये बाघ जो है इस पे क्या करेगा, अटैक करेगा, तो अटैक करने में तो मोशन करेगा ही ना, ये मोशन के साथ जब भी उस पे अटैक करेगा तो अटैक करेगा यानी कुछ नीचे से ऊपर की ओर, यानी आप और वहां पे जाकर क्या क्या रखा गया था, यानी ऑन है ना, तो अब ऑन का यूज पे कहां पे करेंगे, यानी नीचे से ऊपर की ओर, कहां पर, नीचे से ऊपर की ओर, जब किसी वस्तु पर कोई वस्तु रखा जाए तो वहां पे हम लोग किसका यूज करेंगे, तो अप ऑन का यूज है ना, अप ऑन, अप और ऑन, यानी बोलने से भी हम लोग को पता चल रहा है कि अप में सुपर ऑन में रखा जाना, यानी नीचे नीचे से वो अटैक करेगा, यानी नीचे से तो अप और वहां पे जाके क्या होगा, अटैक करेगा, यानी ऑन ऑन पे है ना, ऑन कुछ एक दो बट हम लोग लिख लेते हैं कि जब कोई वस्तु नीचे से थोड़ा ऊपर उठकर है ना, लिखते हैं, लिख लीजिए, लिख लेते हैं, जब कोई वस्तु नीचे से है ना, जब कोई वस्तु नीचे से थोड़ा ऊपर उठकर, नीचे से थोड़ा ऊपर उठकर, जब कोई वस्तु नीचे से थोड़ा ऊपर उठकर, कहां पर उठकर, थोड़ा ऊपर उठकर है ना, गति के साथ, किसके साथ, तो गति के साथ दूसरे वस्तु पर गति के साथ दूसरे वस्तु पर क्या करे, दूसरे वस्तु पर रखा जाता है, दूसरे वस्तु पर रखा जाता है, तो हम लोग वहां पर वहां अपॉन का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, अपॉन का प्रयोग करते हैं, यानी कहने का मतलब कि जब कोई वस्तु कहां पे है ना, बोला कि जब कोई वस्तु नीचे से थोड़ा ऊपर उठकर, कहां पे, नीचे से थोड़ा ऊपर उठकर किसी दूसरे वस्तु पे क्या करे, रखा जाए, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, अपॉन का यूज करते हैं ना, तो अपन जान चुका क्या अप का यूज और डाउन का यूज, अपॉन का यूज है ना, अब बचा है हम लोग को अप, हम लोग अप अपॉन डाउन का यूज पढ़ चुके थे है ना, और इसको हम लोग एग्जांपल भी देख चुके थे किस प्रकार से कहां पे अप का यूज होता है, अप ऑन का यूज होता है और डाउन का यूज होता है, और बाकी कौन, अप्स एंड डाउन्स है ना, तो अप्स एंड डाउन्स को समझिएगा कैसे, बोला कि मान लिया जाए कोई व्यक्ति है ना, कोई व्यक्ति है
कोई व्यक्ति है ना, वो किसी को क्या बोल रहा है, किसी व्यक्ति को बोल रहा है कि ऊपर जाओ है ना, यानी अप्स, नीचे आओ यानी डाउन है ना। वो बोले के सेंस में बोला कि अप्स मींस ऊपर जाओ, नीचे जाओ डाउन है ना, ऊपर जाओ अप्स, नीचे जाओ डाउन। और अगर जो ये दोनों एक बार मिल जाते हैं यानी अप्स एंड डाउन बोलू तो उतार चढ़ाव होते हैं ना, उतार उतार चढ़ाव, उतार और चढ़ाव है। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, ए डॉग, इसको मिटा दूं, हाँ एग्जाम्पल शुरू से बारी बारी सबका एग्जाम्पल देखेंगे। कर ए डॉग जंप ब्लैंक्स, ए डॉग जंप ब्लैंक्स का द टेबल, द टेबल है ना। अब यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे ब्लैंक्स की जगह पर हो सकता है, अ डॉग जंप है ना, अ डॉग जंप क्या करेगा अप ऑन, यानी डॉग जो है नीचे से क्या करेगा जंप करेगा, और जंप करा के टेबल पे क्या हो जाएगा रखा जाएगा, यानी अप ऑन क्या होगा अप ऑन है ना, अ डॉग जंप अप ऑन द क्या चीज टेबल है ना। नेक्स्ट ही फेल डाउन, ही फेल, ही फेल डाउन द रूफ है ना, वह फेल डाउन द रूफ को जी बच्चा पर से क्या किया नीचे है ना गिरा, तो फेल डाउन द क्या चीज रूफ। नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल ही वेंट अप द हिल, ही वेंट अप द हिल है ना, ही वेंट अप द हिल। नेक्स्ट एग्जांपल द टाइगर, द टाइगर, द टाइगर जंप्ड अपॉन, द टाइगर जंप्ड अपॉन, द टाइगर जंप्ड अपॉन किस पे करेगा, बोला कि जो बाघ जो है जंप कर गया अपॉन, किसी पे भी कर सकता है ना, टाइगर किसी भी हिरन पे कर सकता है, बकरी पे कर सकता है, यानी बाघ जो है बोला कि द टाइगर जंप्ड अपॉन है ना, द टाइगर जंप्ड अपॉन द वोट कर दीजिए वो है ना, बोला कि बाघ जो है क्या चीज किया जंप कर दिया किस पे, तो बकरी पे, यानी जंप्ड अपॉन अप ऑन, अपॉन का प्रयोग मैंने और पहले भी बताया था ना, ही रैन, ही रैन डाउन द हिल है ना, ही रैन डाउन द हिल, ही रैन डाउन द हिल है ना, इट इज ही रैन डाउन द हिल, इट इज। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, और आगे नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग प्रीपोजिशन का